हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर ये है 9। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसी प्रकार से हमें ये सॉल्व करना है जिसके अंदर प्लस की बजाय यहाँ पर आ गया माइनस, और इसी तरह से ये प्लस की बजाय यहाँ माइनस आ गया, और जो ये एक्स वाई है ये माइनस की बजाय प्लस आ गया। ये फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, जो होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब आप इसे लर्न कैसे करेंगे वो देखिए। जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फार्मूला है उसके अंदर पहली वाली ब्रैकेट में इन दोनों का सम है, एक्स का और वाई का, यानी कि इसके क्यूब रूट का और इसके क्यूब रूट का। फिर जो यहाँ पर नंबर आए हैं इन दोनों की पावर 2 यहाँ पर होगी, और अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ प्लस होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? गुड। जैसे कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, तो 2 की बजाय यहाँ पर एक्स वाई है और प्लस की बजाय डायरेक्टली यहाँ माइनस है। तो आप इसको किसी से भी कंपेयर करके इसको लर्न कर सकते हैं। जब आप थोड़ा सा इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, 2-3 बार करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या ये बराबर में ये आता है, या फिर अगर हम ये वाला लें तो इससे ये आता है क्या। चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ली हमने, और राइट हैंड साइड के अंदर हमें अवेलेबल है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे और हमें मिलना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर से, बारी बारी से तीनों से हमें मल्टीप्लाई इनको करना है, ओके। एक्स को एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो पहले निशान माइनस का लगा देंगे, और एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वेयर आ गया, बचा वाई वाई, ओके। अब x को y स्क्वेयर से करेंगे तो x y स्क्वेयर आएगा निशान प्लस का, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद बारी आती है y की, तो y को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, जैसे x से किया, y को x स्क्वेयर से करेंगे, y को एक्स वाई से करेंगे, और y को हम y स्क्वेयर से भी करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वेयर, पहले एक्स वाई टर्म लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले निशान माइनस का, x तो है, y को y से करेंगे तो y स्क्वेयर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, y को y स्क्वेयर से करेंगे तो मिलेगा y क्यूब, पावर 2 ये है, पावर 1 ये है, दोनों जुड़ जाएगी और क्यूब मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का है, ये एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का है, तो ये कट गया। इसी तरीके से ये एक्स स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का है, ये भी कट जाएगा। बचा कौन, एक तो ये बचा है और एक ये बचा है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, जो कि आपको प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में ये। अब हम लेते हैं दूसरे सॉल्यूशन को, करते हैं सॉल्यूशन नंबर 9 का, ये फर्स्ट पार्ट था। अब करेंगे हम सॉल्यूशन 9 का सेकंड पार्ट, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। कैसे भला? हमने लिया राइट हैंड साइड को x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये इसको हम सोल्व करेंगे आसानी से, हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिल जाएगा। लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सोल्व करने के लिए हमारे पास अभी फ़िलहाल फार्मूला नहीं है करने को, तो इसको भी किसी न किसी तरीके से हम कर ही सकते हैं। जैसे कि एक्स क्यूब ले ले और एक वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब है, किसी तरीके से हो जाएगा। मैं अब इस तरफ दिमाग नहीं लगाना चाहूँगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ऐसा कीजिए सिंपल इसको ही सॉल्व कीजिए राइट हैंड साइड को, और करने को एक सम को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो अगर इसको अब हम सॉल्व करें तो फिर वही बात आएगी कि हम एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा। एक्स को एक्स स्क्वेयर से करेंगे, एक्स क्यूब मिला, एक्स को एक्स वाई से किया प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स एक ये है और एक ये है, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और वाई का वाई आ गया। जैसे कि एक्स मल्टीप्लाई में एक्स वाई, क्या मिला, एक्स स्क्वेयर वाई। एक्स को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स वाई स्क्वेयर, जो कि यहाँ पर आएगा। ओके, तीन टर्में आ गई। अब माइनस वाई की बारी, माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स स्क्वेयर से, माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर से, बारी बारी से, ठीक है। माइनस वाई को मल्टीप्लाई अगर हम करें एक्स स्क्वेयर से तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर वाई, माइनस का निशान आएगा। फिर माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से तो हमें मिलेगा एक्स, तो ये है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर, माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर। ओके, अब माइनस वाई को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपको मिलता है माइनस का वाई क्यूब। इज दैट क्लियर? गुड। अब जो कटता है हम उसे काट देंगे, जो बचता है उसे हम लिख देंगे। एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का है, कट गया। एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का है, कट गया। बचा कौन, एक ये और एक ये, तो हमें मिलता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमने ली और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है। राइट हैंड साइड हमने यहाँ सॉल्व की है, हमें मिलती है लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, इसमें भी कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, इसमें तो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो ये हुआ हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, है ना आसान? तो ऐसे ही आप इसको सम को सॉल्व कीजिए, देखिए समझिए और अंडरस्टैंडिंग कीजिए। मैथ के बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लगातार याद रखिए तो आप किसी भी सम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। शुरुआत में करने में दिक्कत आएगी लेकिन आप फिर कर जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और फिर ये है सेकेंड पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।